Good morning, students. Today we are going to start the new chapter in your English literature book, and that is chapter 7. Girls can't play cricket. Hope you all like cricket. Sabko cricket bahut pasand hoga, jaise boys, especially boys. Boys always like to play cricket. But ye jo story hai, isme bola gaya hai ki girls bhi cricket khel sakte hain. ठीक है, तो ये स्टोरी कुछ मतलब फ्रेंड्स को लेके है. उसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स में हैं, और बॉयज कैसे खेलते हैं और गर्ल्स को मना किया जाता है कि क्रिकेट ना खेलने के लिए. फिर गर्ल्स भी क्रिकेट खेलती हैं और वो विन भी करती हैं. इसीलिए ये टॉपिक का नाम दिया गया, स्टोरी का नाम दिया गया है गर्ल्स कांट प्ले क्रिकेट बट गर्ल्स कैन प्ले क्रिकेट. ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स हैं, जैसे सुमित है, रंजन है, सुधा है, ये सब फ्रेंड्स हैं. तो उन लोग मतलब कैसे डिसाइड करते हैं खेलने के लिए और फिर उनका क्या होता है उसके बाद में, एक उस स्टोरी, ये स्टोरी उसी के बेस करके है. तो आई विल स्टार्ट रीडिंग आउट द स्टोरी एंड यू विल गो थ्रू इट लेटर ऑन, सो लिसन इट केयरफुली. द बॉयज थॉट द गर्ल्स कुड नॉट प्ले क्रिकेट. Did the girls prove them wrong? तो यहाँ पर boys लोग की एक मतलब mindset होता है कि girls cricket नहीं खेल सकती हैं. क्या मतलब girls बाद में खेल के अपने आप को prove कर सकती हैं कि वो cricket खेल सकती हैं? तो here we start. Sumit waited for his friends to arrive at the playground. When they came, three boys and two girls, they were all excited to see the cricket set Sumit had got for his birthday. ठीक है, तो सुमित एक लड़का है, उसका नाम सुमित है. तो वो प्लेग्राउंड में वेट कर रहा था अपने दूसरे दोस्तों का. ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद सब वहाँ के प्लेग्राउंड में पहुँच जाते हैं. कौन कौन पहुँचते हैं? सुमित पहुँचते हैं, पहुँचता है और उसके और दो फ्रेंड्स जो गर्ल्स हैं वो भी पहुँचते हैं. और सुमित के पास उसका अपना क्रिकेट का किट रहता है. क्रिकेट किट मालूम है, क्रिकेट किट में क्रिकेट के पूरे सामान रहते हैं, जैसे बैट, बॉल, विकेट, ग्लव्स, फिर पैड जो मतलब पैर में पहना जाता है, हर चीज़ रहता है. तो उसको बोलते हैं क्रिकेट किट. और सुमित को क्रिकेट किट उसके बर्थडे पर मिला था. ठीक है, और ये चीज़ देख के सारे दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं. लेट्स मेक टू टीम्स एंड प्ले अ मैच, सेड सुमित. आई विल बी द कैप्टन ऑफ वन टीम. रंजन, यू कैन बी द कैप्टन ऑफ अदर टीम. यू कैन सिलेक्ट योर टीम एंड आई विल सिलेक्ट माइन. ठीक है, तो वहाँ पे जो भी सब बच्चे थे मतलब फ्रेंड्स थे, वो सुमित बात कर बोलता है कि हम लोग दो टीम बनाएंगे. एक टीम का मैं कैप्टन बनूंगा और दूसरे टीम का कैप्टन रंजन बनेगा, और दोनों हम अपना अपना टीम के पर्सन को टीम चुन लेते हैं. They started calling out the names Ajay, Vicky. तो इस तरह वो अपने टीम में जिन जिनको शामिल करना था उनका नाम बोलना चालू किया. The girls waited for their names to be called out. When neither of the captains called out their names, Sudha asked, "What about us?" "Well, girls can't play cricket," said Sumit. "You can watch us play," he added kindly. तो फिर सब अपने अपने टीम के लिए जो भी थे सबको सिलेक्ट कर दिए. लड़कियां जो थी वे वेट कर रही थी कि उनका नाम ही लिया जाएगा, मगर फिर पता चलता है कि उनका कोई नाम नहीं लेता. तो वहाँ पे जो लड़की थी सुमित का फ्रेंड, सुमित की फ्रेंड थी सुधा, वो बोलती है फिर हम लोग का नाम भी तो लो, हम लोग भी तो खेलेंगे. तो सुमित बोलता है कि नहीं, तुम लोग गर्ल्स हो, तुम लोग गर्ल्स खेल नहीं सकते हो, हम लोग खेल रहे हैं, तुम बस बैठ के देखो. Yes, you can cheer your favorite team, said Ranjan. तो रंजन बोलता है तुम बैठ के अपने जो भी दोनों टीम में से जो तुम्हें टीम पसंद है उसके लिए तुम cheer up कर सकते हो. The girls got so angry that they turned and walked back home. It's not fair, we are friends, we should be playing together, cried Sudha. We should teach them a lesson, said Priti. Sudha's mother heard the girls talking. What's the matter, girls? You look upset, she said. फिर सुधा को गुस्सा आ जाता है और उन लोग वापस घर चले जाते हैं. सुधा के साथ उसकी एक फ्रेंड भी रहती है, इसका नाम रहता है
वो अपने घर जाते हैं और जब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं तो सुधा की जो मम्मी थी तो वो बोलती है कि कुछ हुआ है क्या, तुम लोग इस तरह क्यों बात कर रहे हो, क्या हो गया? तो फिर सुधा अपने मैम को मम्मी को बोलती है। द गर्ल्स एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड टू देम। आई नो दैट यू कैन डू, सेड सुधा'स मदर। मेक योर ओन क्रिकेट टीम एंड चैलेंज द बॉयज टू अ मैच। तो फिर उसकी उनकी मम्मी बोलती है सुधा की कि तुम भी अपना टीम बनाओ, क्रिकेट का प्रैक्टिस करो और बॉयज लोग को चैलेंज करो। बट वी डोंट हैव अ क्रिकेट सेट, सेड सुधा, एंड वी डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, सेड प्रीति। सुधा की जो एक दूसरी फ्रेंड थे प्रीति, वो बोलती है कि हमारे पास ना ही खेलने के लिए कुछ सामान है, ना ही क्रिकेट सेट है और ना ही हम क्रिकेट खेलना जानते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, सेड सुधा'स मदर। आई कैन टीच यू, आई वॉज द कैप्टन ऑफ द गर्ल्स क्रिकेट टीम एट स्कूल। हाउ वुड यू लाइक टू लाइक अ क्रिकेट सेट योर बर्थडे नेक्स्ट वीक सुधा। तो फिर जब सुधा और प्रीति बोलते हैं कि हम लोग को एक तो खेलना नहीं आता है और ना ही हमारे पास क्रिकेट का सेट है, तो सुधा की मम्मी बोलती है डोंट वरी, क्योंकि मैं भी अपने स्कूल के टाइम में मैं अपने टीम की कैप्टन रह चुकी और मैं तुम लोग को सिखाऊंगी कैसे खेलना है। और फिर सुधा को बोलती है, उसकी मम्मी बोलती है कि इस बार मैं तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हें क्रिकेट सेट गिफ्ट करूँगी। तो ये सुन के सुधा बहुत खुश हो जाती है। ओ मम्मी यू आर ग्रेट, क्राइड सुधा एज शी किस्ड हर। फॉर द नेक्स्ट टू वीक्स सुधा एंड प्रीति प्रैक्टिस बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। सुधा'स मदर टॉट देम ऑल द टेक्निक्स एंड रूल्स। प्रीति'स मदर ऑल्सो जॉइन देम। Soon they become quite good at the game. Sudha was especially good at bowling. तो फिर सुधा और प्रीति अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सुधा की मम्मी उनको बताती है कैसे रूल्स क्या है, इसमें ट्रिक्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, ये सब बताती हैं और कैसे खेलना होता है। और प्रीति की मम्मी भी उनको ज्वाइन करती है। फिर कुछ ही दिनों में वो इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके इतने अच्छे आउटपुट देने लगती हैं कि बहुत अच्छा खेलने लगते हैं और उसमें सुधा बॉलिंग में बहुत अच्छी बन जाती है। लेट्स गो टू द प्लेग्राउंड एंड शो द बॉय, सेड सुधा। द गर्ल्स एंड देयर मदर्स वेंट टू द प्लेग्राउंड एंड सेट अप द स्टंप्स एंड बिन्स। सून द बॉयज अराइव्ड, दे लाफ्ड व्हेन दे सॉ द गर्ल्स प्लेइंग क्रिकेट। हाउ अबाउट अ मैच, आस्क्ड सुधा। डोंट बी सिली, गर्ल्स कैन प्ले क्रिकेट, सेड सुमित। फिर जब उनका प्रैक्टिस खत्म हो जाता है, सब उनको पता चल जाता है, तो सुधा की मम्मी बोलती है अब हम प्लेग्राउंड में जाके खेलेंगे। तो फिर हम प्लेग्राउंड में जाते हैं, विकेट सेट करते हैं, बेल्स लगाते हैं, फिर सब अपना इक्विपमेंट्स पहनते हैं और रेडी हो जाते हैं खेलने के लिए। तो जब बॉयज वहाँ आते हैं, बॉयज देख के हंसने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और तभी सुधा बोलती है कि हम लोग का मैच हो जाए हम लोग के बीच में, बॉयज और गर्ल्स में। तो वहाँ सुमित बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं, यू आर सिली बिकॉज गर्ल्स कैन प्ले क्रिकेट। तो बोलती है कि तुम लोग मूर्ख हो क्योंकि तुम लोग गर्ल्स क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। व्हाई डोंट यू प्ले विद अस एंड फाइंड आउट, सेड सुधा'स मदर। तो सुधा'स मदर बोलती है ठीक है, तुम लोग मैच कर लो, खेल के देख लो कि गर्ल्स क्रिकेट खेल सकती है कि नहीं। विल यू ऑल्सो प्ले आंटी, आस्क अजय। तो अजय पूछता है कि मैं मतलब आंटी क्या आप भी खेलेंगी, सुधा की मम्मी भी खेलेंगी कि नहीं, अजय पूछता है। इफ यू डोंट माइंड, सेड सुधा'स मदर, अदरवाइज टू गर्ल्स अगेंस्ट टू बॉयज वुड नॉट बी फेयर। ठीक है, तो फिर सुधा की मम्मी बोलती है कि अगर तुमको प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ, नहीं तो दो गर्ल्स और दो बॉयज में क्या मैच।
रंजन आया, फिर उसके बाद अजय आया, फिर विकी आया, इस तरह उन लोग आए और रन बनाते गए और आउट होते गए। उन लोग का टोटल स्कोर स्कोर बना 29। डोंट वरी, वी विल लेट गेट द गर्ल्स आउट इन नो टाइम, सेड रंजन। सो द फेस रंजन नर्वसली एज ही बॉल द फर्स्ट बॉल, बॉल द फर्स्ट बॉल, इट मिस द स्टंप्स बाय एन इंच जस्ट सेव। फिर गर्ल्स के टर्न आई बैटिंग करने के लिए, तो पहला पहले जो थी वो सुधा गई बैट करने के लिए। रंजन का बॉलिंग इतना फास्ट था कि सुधा थोड़ा घबराई, थोड़ा नर्वस हो गई और थोड़े इंच से ही बच गए, नहीं तो वो बोल्ड हो जाता। आई मस्ट नॉट बी नर्वस, थॉट सुधा एज ही फेस रंजन अगेन। दिस टाइम सी हिट द बॉल फॉर वन रन, स्लोली द रन्स बिगन टू पाइल अप, टू रन्स, थ्री रन्स, अनदर बॉल एंड देन सी हिट अ फोर। फिर रंजन के बॉल को फेस करती गई, वन रन बनाई, टू रन बनाई, थ्री रन बनाई, फिर एक चार लगाई, वो चार रन बन गया। Soon she made the 15 runs. The boys were getting worried when all of a sudden Sudha was feeling bored. फिर Sudha ने total 15 run बनाई और फिर उसके बाद वो bored हो गई। It's your turn, Priti. She called out. Don't get nervous. Sumit called to Priti and she hit the ball for 4 runs. Come on, Sumit, shouted Ranjan. Don't let them win. Priti hit 6 more runs before she was out. Now it was her mother's turn. She was clean bowled on the first ball. फिर प्रीति बॉल की, प्रीति इस तरह बना के 4 और 6 रन बना के फिर वो आउट हो गए। उसके बाद सुधा की मम्मी का टर्न आया, फिर जैसे ही वो बैटिंग करने गई फर्स्ट बॉल में ही वो बोर्ड हो गई। यू विल हैव टू मेक मोर रन्स समहाउ मम्मी, सेड सुधा। फिर सुधा की मम्मी सिवास क्रीम रोल द फर्स्ट बॉल। फिर उसके बाद सुधा की मम्मी का टर्न आया, तो सुधा बोली तुमको और ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। शी स्कोर टू रन्स, देयर वाज नो रन्स इन द नेक्स्ट ओवर। हरी अप मम्मी, कॉल्ड आउट सुधा। द बॉल फ्लिव इन द एयर फॉर 4 रन्स। दे हैड डन इट, दे हैड वन द गेम। द गर्ल्स जंप्ड विद जॉय, द बॉयज क्लैप्ड फॉर देम। वी विल प्ले टुगेदर फ्रॉम नाउ ऑन, सेड सुमित। Now we all know girls can play cricket. Everyone joined in. Okay. फिर उसके बाद जो सुधा की मम्मी थी उसने भी दो मतलब रन बना लिए और पूरे रन उन लोग कंप्लीट किए और मैच जीत भी गए। ये सब देख के बॉयज भी बहुत खुश हुए और गर्ल्स तो पूरा उछलने लगे कि हम लोग भी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये स्टोरी का लास्ट में आउटपुट ये आता है कि ओनली boys can't play the cricket but girls can also play the cricket. फिर दोनों ने डिसाइड किया कि इस बार जब भी